हेलो दोस्तों, मैं सुमित। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, फाइनली गाइस हमने एंड्रॉयड 12 को इंस्टॉल कर लिया है अपने डिवाइस के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो यार, एंड्रॉयड 12 के सारे फीचर्स जो यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर ये दो डिवाइस है जिसके अंदर मैंने एंड्रॉयड 12 को इंस्टॉल किया, और यहाँ पर ये कोई GSI रोम नहीं है, एक पोर्टेड रोम है जो कि डेवलपर्स ने पोर्ट की है, यार बिल्ड की है, जो कि यार काफ़ी सही आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो अबाउट फोन, ये पिक्सल 4A से पोर्ट की गई है, और ये वाली शायद पिक्सल 5A से पोर्ट की गई होगी। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो पिक्सल, ये पिक्सल 5 से की गई है और ये पिक्सल 4A से पोर्ट की गई है। क्योंकि भाई एंड्रॉयड 12 हो या फिर एंड्रॉयड 13 हो या फिर एंड्रॉयड 11 हो, सबसे पहले पिक्सल वाले डिवाइस में देखने को मिलता है। और एंड्रॉयड वर्जन यहाँ पर आप देख सकते हो क्या लिखा है, एंड्रॉयड वर्जन S आपको देखने को मिल जाता है लेटेस्ट 5 मई के सिक्योरिटी के पैच के साथ। और ये बीटा वर्जन फर्स्ट है, अभी डेवलपर प्रीव्यू चल रहा था, अब ये बीटा वर्जन आ चुका है फर्स्ट, जो कि पिक्सल वाले डिवाइस के लिए जा चुका है और वो हमारे डिवाइस के अंदर भी इंस्टॉल हो चुका है। तो कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने डिवाइस के अंदर, ये भी मैं बता दूंगा, और इसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं वो भी हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो पसंद आएगी बस वीडियो को कर देना एक लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब भी मैं इस टाइप की वीडियोज़ बनाऊँ उसको नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सबसे पहले, और आप सबसे पहले उस वीडियो को देखो। देखो गाइस, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, ये भाई मेरे पर Redmi Note 8 के भी आ चुका है, उसका वीडियो अलग आएगा। ये Redmi Note 7 है, अगर आपको इसके अंदर इंस्टॉल करना है तो बता दूंगा क्या करना है। दोनों के अंदर सेम ही फीचर्स देखने मिल जाते हैं, इसलिए मैं आपको एक ही डिवाइस के अंदर दिखाऊंगा। ये भाई Redmi Note 9 Pro बोल लो या फिर Pro Max बोल लो या फिर Poco M2 Pro बोल लो, आप तीनों डिवाइस के अंदर एक ही फाइल को इंस्टॉल कर सकते हो। कैसे इंस्टॉल करना है वो तो वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब देखो गाइस, यहां पर ये आपको कुछ इस तरह से देखने मिल जाती है होम स्क्रीन के अंदर आपको कुछ ज्यादा खास तो चेंज देखने को मिलेंगे नहीं, थोड़ी सी लाइट आपको चौंध मार रही होगी, तो इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं आप, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले यहाँ पर मेरे को सबसे पहले चेंज क्या देखने को मिला, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो एक अलग ही UI मेरे को देखने को मिल जाता है यहाँ पर, जो कि काफ़ी सही देखने में लगता है। देख सकते हो यहाँ पर अलग ही UI है जो कि काफ़ी सही देखने में लगता है, ये आपको अलग UI देखने में मिल जाता है। लेकिन जो भाई एंड्रॉयड 12 के जो यानी कि पिक्चर वगैरह लीक हो रही थी वो हो रही थी कुछ इस तरह की, कंट्रोल सेंटर की या फिर आप इसको नोटिफिकेशन बार बोलते हो या फिर नोटिफिकेशन सेंटर जो भी बोलते हो, ये देख सकते हो ये यहाँ पर कम्प्लीटली इसका जो UI है यार, ये चेंज देखने को मिल जाता है, जो कि यार काफ़ी अमेजिंग देखने में लग रहा है। साथ ही साथ वॉल्यूम बार की हम बात कर लेते, देख सकते हो यार ये वॉल्यूम बार जो ये भी यहाँ पर आपका चेंज हो जाते थे, यहाँ पर सीम और पे आप टैप करोगे आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, बाकी जो वॉल्यूम बार है वो आपको कुछ इस तरह देखने को मिल जाते हैं। तो फर्स्ट लुक आपके लिए ये बन जाता है एंड्रॉयड 12 का। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, लॉक स्क्रीन आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती है यार, जो कि काफ़ी सही, इतना बड़ा बड़ा टाइमिंग छपा हुआ है साइड में, आप देख सकते हो यहाँ पर डेट एंड टाइम, और यहाँ पर आपका टेम्परेचर यार कि कितना डिग्री चल रहा है वो सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, देख सकते हो यहाँ पर जैसे हम लॉक स्क्रीन में जाते हैं तो दो टाइप के इसके अंदर ये जो है ना, ये दोनों के दोनों चेंज कर देगी। सबसे पहले आप देख सकते हो अगर आपका पिन वाला पासवर्ड होगा तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी सही देखने में लगता है। ये देख सकते हो यहाँ पर भाई फोकस कर ले यार, तो देख सकते हो ये कुछ इस तरह से भाई काफ़ी अच्छा और अलग बना दिया गया है देखने में, देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है यार, काफ़ी अच्छा UI बना दिया गया, और कुछ इस तरह से आप इसको अनलॉक कर सकते हो, ये काफ़ी सही लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बता दूँ दूसरे वाले की, इसके अंदर जो भाई यहाँ पर मैंने लगाया दूसरा वाला जो होता है भाई यहाँ पर फिंगर पैटर्न वाला, ये देख सकते हो भाई इसका पैटर्न आप देख सकते हो भाई किस तरह से बनता है यार, ये देखने में यार काफ़ी मस्त लगता है यार, ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आप अनलॉक कर सकते हो अपने डिवाइस को। तो पहली चेंज ये, पहली दूसरी चेंज ये की गई थी जो कि काफ़ी सही है। अब यहाँ पर बात करें और कुछ और चेंजेस की, तो देखो कहीं यहाँ पर मैं आपको एक एनिमेशन दिखाता हूँ, जब भी आप कुछ ओपन करोगे तो पीछे की साइड आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़े से पिक्सल वाले एनिमेशन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे मैं इसको ऑन ऑफ करता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो, अब यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, देख सकते हो आपको थोड़े से तारे वारे देखने को मिल रहे होंगे, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ तो थोड़े से आपको अलग ही एक एनिमेशन देखने को मिल रही होगी। ये एनिमेशन देखने में यार काफ़ी बढ़िया लगती है यार, ये चीज़ मेरे को इसके अंदर काफ़ी बढ़िया देखने में लगी। भाई गूगल पिक्सल वाले नोटिफिकेशन भी आ गया, तो ये देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरह से इसके अंदर आपको भाई यहाँ पर आपको बहुत सारे एप्लीकेशन भी देखने को मिल जाते, जैसे कि प्ले स्टोर में जाते हैं। ये जो Redmi Note 9 Pro Max के अंदर जो रोम है इसके अंदर काफ़ी सारे एप्लीकेशन है, लेकिन Redmi Note 7 के अंदर इतने सारे जो भाई रोम क्या कहते हैं ऐप्स आपको देखने को नहीं मिलते, नॉर्मली आपको देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर मैं फालतू ज़्यादा बकवास कर रहा हूँ, मेन फीचर्स की मैं बता नहीं रहा, सबसे मेन फीचर्स मेरे को सबसे बढ़िया फीचर्स कौन से लगे। जैसे आप यहाँ पर चले गए सिस्टम में जाने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा एक ऑप्शन जो है भाई यहाँ पर गेस्चर का, देख सकते हो ये गेस्चर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक है भाई स्वाइप फिंगरप्रिंट टू नोटिफिकेशन, देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरह से यूज़ करने का बताया हुआ है। जैसे ही आप सिंपल आपको कुछ इस तरह से स्वाइप कर देना है और आपका जो ये कंट्रोल सेंटर है ना, ये आपका यहाँ पर कुछ खुल के आ जाएगा जो नोटिफिकेशन
शेड वाला होता है, ये होता है ना यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखाता है, वो आपका आ जाएगा ओनली फॉर आपके फिंगरप्रिंट से। लेकिन ये अभी वर्किंग नहीं है क्योंकि आपको पता बीटा रोम है, वो भी किसी और डिवाइस की है, बस पोर्ट कर देगी हमारे लिए, इस वजह से वर्क नहीं कर रहा, वरना पिक्सल वाले डिवाइस में तो वर्क करता, तो आपको वेट करना पड़ेगा इसके लिए। और दूसरा फीचर की हम बात करिए भाई नोटिफिकेशन वाला, ये देख सकते हो यहाँ पर लिखा स्वाइप फॉर नोटिफिकेशन, ये फीचर वर्क करता है, आप इसको इनेबल कर दोगे तो देख सकते हो यहाँ पर आपको ये गेस्चर बार देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हो जैसे मैं यहाँ पर स्वाइप करता हूँ ऊपर वाला नोटिफिकेशन आ जाता है, देख सकते हो यहाँ पर स्वाइप किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर स्वाइप किया ऊपर से कंट्रोल सेंटर या नोटिफिकेशन जो आपको ओपन हो जाता है, देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है ये फीचर यार, काफ़ी बढ़िया, यहीं से आप कर सकते हो। अगर आप भाई देख सकते हो फोन काफ़ी बड़ा है भाई, ऐसा करना पड़ेगा इसके लिए, ऐसा करना पड़ेगा, सिंपल क्या करना आपको यहीं पर स्वाइप कर देना, देख सकते हो यहाँ पर स्वाइप करेंगे और ये यहाँ पर आ जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया देखने में लगता है, ये फीचर दिया गया। अगले फीचर की हम बात करें तो यहाँ पर एक और फीचर आपको देखने को मिल जाता है भाई, वो वाला फीचर इसके अंदर दिया नहीं गया, शायद इसके अंदर नहीं दिएगा, वो फीचर मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ फीचर भाई पता नहीं कौन कौन से डिवाइस में दे रखे हैं, जैसे कि इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ सिस्टम में जाते हैं, सिस्टम में जाने के बाद आपको पता होगा कि जो भाई आईफोन होते हैं उनके अंदर एक फीचर दिया गया है, वो है भाई यहाँ पर ये वाला फीचर कहाँ गया, बैक टैप वाला, ये फीचर आप देख सकते हो, बैक टैप फीचर डबल टैप करो और जो भी आप भाई ये एक एप्लीकेशन की मदद से आप कर पा रहे थे और लीक्स निकल के यही आ रही थी कि एंड्रॉइड 12 के अंदर ये फीचर जाएगा, तो फाइनली आ चुका है। लेकिन यार गाइस दिक्कत ये है कि अभी ये वर्किंग नहीं है, जैसे कि मैंने बताया भाई अभी वर्किंग नहीं है क्योंकि भाई आपको पता है कि अभी बीटा रोम है, इस वजह से वर्किंग नहीं है। बाकी यहां पर आप देख सकते हो बैक टैप वाला फीचर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहां पर गूगल असिस्टेंट, प्ले म्यूजिक, रीसेंट मेन्यू नोटिफिकेशन सब कुछ कर पाओगे। धीरे धीरे जब नए नए अपडेट्स आएंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि हाँ भाई ये वाला फीचर आप वर्क करने लगे, पहला बीटा अपडेट है भाई, इस वजह से थोड़ी बहुत ये दिक्कत है। बाकी यहां पर आपको नेविगेशन बार देखने को मिल जाता है, ये आप देख सकते हो, यहां से आप इसकी कस्टमाइजेशन कर सकते हो, छोटा बड़ा वन हैंड मोड भी आपको देखने मिल जाता है, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से वन हैंड मोड को भी आप यूज कर सकते हो अगर आपको यूज करना है तो। बाकी यहाँ पर आपको टैप टू चेक फोन यहाँ पर ये दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हो टैप करके चेक भी कर सकते हो, डबल टैप करके नोटिफिकेशन आए नहीं आए। बाकी यहाँ पर आप लिफ्ट टू स्वाइप वो कर सकते हो, यहाँ पर लिफ्ट टू चेक फोन यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो, यानी कि फोन को आप चेक करना वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। बाकी बहुत सारे और अलग अलग फीचर है, यहाँ पर पावर मेन्यू दिया गया, देख सकते हो ये वाला जो मेन्यू, इससे क्या किया जा सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसको अगर मैं ऑन कर देता हूँ सिंपल दबा के रखूंगा गूगल असिस्टेंट जो वो ओपन हो जाता है, इसको बंद रखेंगे तो आपका जो पावर मेन्यू ये आ जाता है, यहाँ पर एंड्रॉइड 11 वाला ये, यहाँ पर ये चेंज नहीं किया गया, आने वाले टाइम में इसको भी चेंज कर देंगे तो जो कि यार काफ़ी सही रहेगा। तो ये कुछ आपको देखने को मिल जाता है चेंजेस। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे भाई इसके अंदर अपडेट आएंगे नहीं आएंगे, भाई इसके अंदर कोई अपडेट नहीं आने वाला क्योंकि ये बीटा रोम है और अनऑफिशियल है भाई, ठीक है, इस वजह से कोई नहीं आएगा। जब स्टेबल रोम आ जाएगी जैसे कि भाई पिक्सल एक्सपीरियंस हो गया या फिर इलोवेशन एक्स हो गया तब, क्योंकि अभी स्टेबल अपडेट किसी में भी नहीं आया एंड्रॉइड 12 का, जब एंड्रॉइड 12 के अंदर स्टेबल अपडेट आएगा तब जाके आपको भाई अपडेट्स देखने को मिलेंगे, उसी रोम के अंदर आपको अलग से रोम डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी। और यहाँ पर हम बात करें जैसे कि हम नोटिफिकेशन है, यहाँ पर आपको अलग ही यूआई देखने को मिल जाता है, देख सकते हो यहाँ पर ओपन करोगे कुछ इस तरह से आपको अलग अलग यूआई देखने को मिल जाता है, जो कि काफी सही आपको देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर डिस्प्ले की हम बात करें, डिस्प्ले में सब कुछ सेम टू सेम आपको वैसे के वैसे ही देखने को मिल जाता है, थोड़े बहुत फीचर्स जो है वो अलग ऐड कर देंगे वो आप चेकआउट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन सॉरी स्टाइल एंड वॉलपेपर्स आपको देखने को मिल जाता है, इसका भी थोड़ा बहुत यूआई जो चेंज कर दिया गया। बाकी सबसे अच्छा मेरे को ये लगा जो इसका ये कंट्रोल सेंटर है ना, ये कंप्लीटली चेंज कर दिया गया, आप इसको टैप करके ऑन ऑफ भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आप टैप करोगे यहाँ पर आप इसको एडिट भी कर सकते हो, आपको जो भी ऐड करना है सिंपल आप इसको टैप करके रखो, उठा के सिंपल यहाँ पर डाल दो, कुछ इस तरह से आप कर सकते हो जो कि काफ़ी सही देखने में लगता है। और यहाँ पर काफ़ी सारी और चीज़ें आप सेटिंग पे टैप कर सकते हो, सेटिंग पे टैप करोगे आपकी सेटिंग जो वो ओपन हो जाएगी, कुछ इस तरह से ये देखने को मिल जाता है। और इसके अंदर कोई ज़्यादा खास नहीं है, आप इसको डेली यूज़ में भी यूज़ कर सकते हो, बट इसके अंदर भाई बैंक की एप्लीकेशन यूज़ में नहीं ले सकते क्योंकि डिवाइस हमारा सर्टिफाइड नहीं है और भाई जो आपको नेट जो होता है क्या सेफ्टी नेट जो भाई वो भी इसके अंदर फेल्ड है, जो कि मैंने चेक कर लिया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं दोनों डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कैसे करना है। सबसे पहले तो देखो भाई डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा इंस्टॉलेशन का, आप वो देख सकते हो, वरना मैं इस डिवाइस में बता देता हूँ किस तरह से करना होता है, आपको सिंपल देख लो। सबसे पहले आपको भाई यहाँ पर आपको रिकवरी चाहिए, रिकवरी नहीं आपको चाहिए भाई क्या नाम है TWRP रिकवरी आपके अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए, ऑरेंज फॉक्स हो या फिर दूसरा हो तो ठीक है वो आप इंस्टॉल कर लेना। और जो आपकी फाइल हो आप मेमोरी कार्ड में डाल सकते हो वरना इंटरनल स्टोरेज में भी डाल सकते हो, बट आपको फॉर्मेट करना पड़ सकता है। सिंपल यहाँ पर आप ऑरेंज फॉक्स को ओपन कर लेते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो गाइस अगर आपके रिकवरी में कुछ इस तरह से भाई चाइनीज़ भाषा में लिखा हुआ आ रहा है तो सिंपल आपको सबसे पहले यहाँ पर डस्टबिन में जाना है, देख सकते हो यहाँ पर डस्टबिन, उसके बाद सिंपल आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको टैप करना फॉर्मेट में, तो यार ये दिखाई नहीं दे रहा, मैंने वाइट कलर किया था बट फिर भी वाइट नहीं हुआ। सिंपल सबसे पहले यहाँ पर आपको यस टाइप कर देना, देख सकते हो यहाँ पर मैं यस टाइप कर रहा हूँ और ओके प्रेस करना, इससे आपका फॉर्मेट हो जाएगा। उसके बाद सिंपल आपको डेलवे केस डेटा ये सेलेक्ट करना इस वाले फ़ोन के अंदर, बाकी इंटरनल माइक्रो SD और USB ये जो तीन ऑप्शन है ना ये आपको इसके अंदर भी छोड़ने और इस वाले
डिवाइस के अंदर भी छोड़ने, दोनों डिवाइस का मैं मेथड बता रहा हूँ सिंपल। इन तीनों को छोड़ना इसके और रेडमी नोट 7 के अंदर काफ़ी सारे और ऑप्शन मिलेंगे, इसके अंदर तीन ही देखने मिलते हैं। तो बस आपको ये ध्यान रखना इन तीनों को टिक नहीं करना, ना ही इस फोन के अंदर ना ही इस फोन के अंदर। सिंपल स्वाइप टू यहाँ पर वाइप कर देना, वाइप करने के बाद अब आपका काम होता है स्टार्ट। सिंपल यहाँ पर आपको जाना है, जैसे कि मैंने OTG में रखा हुआ, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको फाइल मिलेगी, ये है लेवेंडर की यानी कि रेडमी नोट 7S की, और ये है भाई मीटॉल की जो कि रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स की। सिंपल ये जो फाइल है इस पर टैप करना है और स्वाइप टू इंस्टॉल कर देना है। ये 2 से 3 मिनट ले लेगा, फिर जैसे ही फ्लैश हो जाता फिर डस्टबिन में जाना है, फॉर्मेट में जाना है, लास्ट में एक और बार आपको फॉर्मेट कर देना है, यहाँ पर यस लिखा हुआ यस लिख के ओके कर देना है। ओके करने के बाद सिंपल अपने डिवाइस को आपको रिबूट कर देना, और ज़्यादा ज़्यादा भाई 1 या 2 मिनट लगेगा और आपका जो रोम है ना भाई ये इंस्टॉल हो जाएगा, यानी कि आपका जो एंड्रॉयड 12 है वो आपके रेडमी नोट 7S और यहाँ पर रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वरना डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको जैसे बोला कि इंस्टॉलेशन वीडियो मैंने दिया हुआ है, वहाँ से भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यही थी आज की इस वीडियो में, एंड्रॉयड 11 का फर्स्ट लुक मैंने आपको दे दिया है भाई, काफ़ी जल्दी दे दिया, इसलिए भाई वीडियो को जो है लाइक कर देना, वीडियो पसंद है वीडियो को भाई जो है शेयर भी कर देना और लोगों के साथ, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे इसकी एक और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।